महाराष्ट्र के भीमा कोरेगांव हिंसा के जुड़े मामले में फादर स्टेन स्वामी के नामकुम स्थित बगीचा में महाराष्ट्र पुलिस ने करीब 4 घंटे तक छापेमारी की। इस दौरान महाराष्ट्र पुलिस ने फादर स्टेन स्वामी के कंप्यूटर का हार्ड डिस्क और अन्य सामान को भी जब्त किया। छापेमारी के बाद फादर स्टेन स्वामी ने बताया कि कुछ इलेक्ट्रॉनिक डिटेल्स भी पुलिस अपने साथ ले गई है। मैं अपनी तरफ से जाँच में कानूनी रूप से पूरी तरह सहयोग करूँगा। इससे पूर्व हुई तलाशी में स्टेन स्वामी का लैपटॉप, 22 सीडी, मोबाइल फ़ोन, सिम कार्ड, पेन ड्राइव, डायरी, टैब और पत्रिका जब्त किया गया था। फादर स्टेन स्वामी का प्रतिबंधित संगठन से तार जुड़े होने का आरोप है। दोबारा मेरी तलाशी हुई है और कुछ सामान तो ले गए हैं, कंप्यूटर का हार्ड डिस्क और कुछ इलेक्ट्रॉनिक डिटेल भी ले गए हैं। तलाशी दोबारा हो रहा है। मैं अपनी तरफ से जो भी जांच होगा, कानूनी रूप में जांच होगा, उसके लिए मैं तैयार हूँ।